नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, दोस्तों, छात्रों एवं छात्राएं, आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आप सब यदि अब तक भी अपना 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जाके करा सकते हैं। और यह आपका जो है डेट रजिस्ट्रेशन का बढ़ा दिया गया है, 15 दिसंबर तक कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये चौथा बार संशोधन किया गया है, डेट बढ़ाया गया है। अब इसके बाद से जो है डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अब तक यदि जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं 9वीं में, और जो है कोचिंग भी कर रहे हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए जो है आवश्यक सूचना है कि कम से कम जाके इस समय भी जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और इसके साथ ही विशेष खबर यह है कि जो भी स्टूडेंट 10 और 12 के हैं और वे लोग अपना अभी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म नहीं जमा किए हैं, तो वे लोग भी जो है 15 दिसंबर से पहले पहले जो है जमा करा लें, क्योंकि दोस्तों ये जो है चौथा बार जो है संशोधन हुआ है, इसके बाद अब कोई जो है मौका नहीं दिया जाएगा। और यह मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि दोस्तों परीक्षा जो है मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। तो इसलिए दोस्तों जो भी छात्र छात्राएं हैं, और साथ ही दोस्तों ये भी जान लीजिए कि जो स्टूडेंट अपना जो है परीक्षा सुधार के लिए, अंक सुधार के लिए जो परीक्षा देना चाहते थे, तो वे लोग भी जो है 15 दिसंबर तक अपना ऑनलाइन करा सकते हैं पुनः परीक्षा देने के लिए। ठीक है, परीक्षा 2022 में ही होगा, लेकिन उनका जो है अंक पत्र जो है 2021 का बन के आएगा। तो यही था आप लोगों के लिए खास खबर दोस्तों। तो इस खबर को जो है हल्के में मत लीजिएगा, और जो है अपना जिम्मेदारी समझ के अपना 9 और 11 वाले अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और इसके अलावा जो है 10वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है जमा कर दीजिए, परीक्षा फॉर्म। तो बस यही था आप लोग के लिए खास खबर दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ और एक नई जो है सूचना के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।